हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल एजुकेशनल सक्सेस मंत्रा। और जो आज की अपनी मैथ की क्लास है, यहाँ पर हम एनसीईआरटी की बुक के पेज नंबर 4 और 5 पर जो एक्सरसाइज 1.1 है, जी हाँ, क्लास 7 के लिए एक्सरसाइज 1.1 को आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 4 और 5 पर अवेलेबल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर है 4 और 5, कौन मतलब कुछ 4 पर है कुछ 5 पर है। आप देखें, फर्स्ट क्वेश्चन, एक नंबर लाइन गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन में, और कुछ जो है यहां पर सिटीज के नेम गिवन है। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसी को ड्रॉ कर लेते हैं अपने। ये एक नंबर लाइन हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, इसमें जो है 0, -5 और -10, 0, -5, -10 इस तरह से, यानी अब 0 से 5 तक -5 तक आए, फिर 10 तक, बीच में इसमें छोटे बॉक्स बताने हैं हमें, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 कुछ इस तरह से देखिए। 0 ये 1 हो जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5, 6, -7, -8, -9 और -10। तो ये हमने यहाँ पर जो इंडिकेट सारे डिजिट्स को नहीं, आप सारे डिजिट्स को अगर करना चाहें तो भी कर सकते हैं। जैसे अगर इसको मैं करना चाहूँ तो -1 हो जाएगा, -2, -3, -4, ठीक है, फिर 5 है, -6, -7, -8, -9, ये भी आप इस तरह से कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमें एक तो ये गिवन है, एक ये गिवन है, ठीक है। जो -10 पर जो है वो जो नेम है, -10 से पहले अगर हम यहां पर देखें, हाँ, -10 से थोड़ा सा जो है यहां पर पहले देखते हैं, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो -10 से पहले लाहौल स्पीति, -10 से थोड़ा सा पहले है तो लाहौल स्पीति को अगर देखें तो कुछ यहां पर दिख रहा है, ये जो नेम यहां पर है लाहौल स्पीति, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट श्रीनगर, ये जो यहां पर आपको दिया हुआ है श्रीनगर, श्रीनगर आ गया आपका। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं तो ये हो जाएगा आपका +1, 2, 3, 4 और ये 5। अब ये हम पॉजिटिव इंटीजर की तरफ चल रहे हैं तो ये शिमला है +5 पर, जो यहां पर सिटी का नेम है आपके पास वो क्या है, शिमला, शिमला आ गया आपका। देखिए सारी जगह घुमा दिया थोड़ी सी देर में। फिर जो है +14, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14, ये +14 है। 14 पर जो नेम है वो है ऊटी, ऊटी, और जो नेक्स्ट है लास्ट बेंगलोर 22 पर, तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और ये 22। तो 22 जो पॉजिटिव इंटीजर है वहां पर आपका कौन सा सिटी है, बेंगलोर। बेंगलोर इस तरह से ये कुछ सिटीज के नेम हैं। बीच के आप अगर
दिखाना चाहें तो बिल्कुल हम बता सकते हैं यहाँ पर, अगर जरूरत पड़े तो, अगर नहीं तो ऐसे भी काम चल जाएगा। बीच में दिखाने का मतलब ऐसे 5 तो ये 6 हो जाएगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 जो गिवन है क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में गिवन है मैं वहां पर बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, उसके बाद जो क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है 22, फिर 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। इधर ये पॉजिटिव है सारे, ये मैंने यहाँ पर एक में पॉजिटिव, पॉजिटिव को दिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ती हमें, अपने आप में अंदर होता है ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स। इस तरह से क्वेश्चन है, अब इसमें हमें सॉल्व करना है वन बाय वन। तो फर्स्ट जो है तो इनके जो टेम्परेचर, एक टेबल हम बना सकते हैं यहाँ पर, तो टेबल बनाना सिंपल है, जो भी शहर का नाम है उसके आगे जो है उसका क्या लिखना है हमें, टेम्परेचर जो है बताना है हमें, क्या बताना है टेम्परेचर बताना है। तो अब यहाँ पर देखो बुक के हिसाब से अगर देखें तो 5, 10 ये 5 गिवन है, उसके बाद एक 10 और गिवन है, ये 10, ठीक है, फिर 15 के बाद 20 और 20 के बाद जो है वो 25 तक, इसको थोड़ा सा और आगे अगर हम करें तो 22, 23, 24 और 25, ये इस तरह से गिवन है। तो आइए देखें अब हम, तो फर्स्ट जो है वो तो एक टेबल ही यहाँ पर जो है बनानी है अपने को, फर्स्ट का जो आंसर आएगा, ए का जो आंसर है, तो ए के आंसर में क्या करना है आपको, प्लेस का नाम लिखें, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या लिखते हैं आप वहां पर, टेम्परेचर, टेम्परेचर, प्लेस का नेम और टेम्परेचर। अब यहां से देखें आप, मैक्सिमम तो मैंने सॉल्व कर ही दिया, ये तो आपको बुक में ही दिख रहा है, ठीक है ये, और जो जहां जहां पर सिटीज के नेम है उसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेस जो है लाहौर स्पीति, इसका टेम्परेचर अगर देखें तो कहां था, -8, जी हाँ लाहौर स्पीति का क्या हो गया -8। शैखिन क्या है, श्रीनगर -2, फिर नेक्स्ट आता है शिमला, इसी में मैं इसको आगे शिफ्ट कर रहा हूं तो फिर क्या आएगा, शिमला, शिमला में आपका टेम्परेचर आ जाएगा 5, ऊटी, ऊटी में टेम्परेचर क्या आएगा आपका 14, ऊटी में कितना आ जाएगा 14, ऊटी कहां पर मिलेगा आपको 14 पर, और लास्ट में बैंगलोर, बैंगलोर में अगर हम देखें तो 22 टेम्परेचर। ये फर्स्ट का आंसर है, ये आंसर, ये आपको टेबल बनानी है इस नंबर लाइन को देख करके कि भाई कौन सा शहर उसका टेम्परेचर क्या है, तो इस तरह से नंबर लाइन से हम ये फर्स्ट का सॉल्यूशन कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है इसी में, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है अपना वो आता है सेकंड बी, बी क्वेश्चन इज, ये कह रहा है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस, तो फाइंड करना है डिफरेंस किस किस के बीच में, जो सबसे गर्म है हॉटेस्ट, हॉटेस्ट एंड, और जो सबसे ठंडा है कोल्डेस्ट, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर फाइंड करना, कितना डिफरेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे हॉटेस्ट की अगर हम बात करें तो वो फाइंड करना है हम बैंगलोर है हॉटेस्ट, यहां पर हॉटेस्ट में क्या लेंगे हम बैंगलोर, बैंगलोर में अगर देखें तो अपने पास आता है 22, हॉटेस्ट में आ गया आपके पास बैंगलोर और लाहौल स्पीति,
लॉग स्पीति में अगर देखें हम यहां पर तो -8 दोनों का टेम्परेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि हमें डिफरेंस फाइंड करना है तो हमें सबसे गर्म जगह कौन सी है, सबसे ज्यादा 22 है, और सबसे ठंडी जगह कौन सी है, लाहौल स्पीति है, -8 में है, इनका डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस में क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो अब माइनस कर देंगे बेंगलोर में से, इसको क्या कर देंगे माइनस, तो देखिए क्या होगा 22 इसमें से माइनस करेंगे -8। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये देखें आप क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने देख लिया, फाइंड कर लिया हॉटेस्ट कौन सा है और कोल्डेस्ट कौन सा है। अब हॉटेस्ट में से जो हमारा कोल्डेस्ट प्लेस है उसको क्या करेंगे हम सब्सट्रैक्ट, तो 22 माइनस, देखो 22 डिफरेंस का मतलब होता है सब्सट्रैक्ट कर दो, माइनस क्या -8। अब यहां देखेंगे तो 22 तो एलईडी जा जाएगा, ये माइनस इस सिंबल को चेंज कर देगा, यानी इस माइनस से ये ब्रैकेट के अंदर वाला जो सिंबल है ये प्लस हो जाएगा, तो ये +8 बन गया। देखो ये चीज हमें देखनी है, ब्रैकेट्स के बाहर माइनस था, इसने सिंबल को चेंज कर दिया तो 22 अब ये प्लस का बन गया, तो प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 30। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 30। जी हाँ, तो जो डिफरेंस आएगा आपका वो कितना आने वाला है 30 डिग्री सेल्सियस, ये आपका डिफरेंस आ जाएगा हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट, जो सबसे गर्म और जो सबसे ठंडा है उसका डिफरेंस यहां पर ये होगा। सी पोर्शन इसका, इसी क्वेश्चन में हम सी पोर्शन ले लेते हैं, सी जी, सी में जो है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर, तो सी के अंदर डिफरेंस किसके अंदर, लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। जी हां, डिफरेंस फाइंड करना है किस किस के बीच में, लाहौल स्पीति और श्रीनगर के। तो डिफरेंस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इनके टेम्परेचर पता होना चाहिए हमें, तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर -8 एंड श्रीनगर का क्या है आपके पास -2, तो -8 एंड -2 यही आ गया। तो यहां पर अगर हम डिफरेंस फाइंड करेंगे तो डिफरेंस में क्या करते हैं, बड़े वाले डिजिट में से छोटे वाले डिजिट को माइनस करते हैं। यहां पे भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है क्या आपको बड़े डिजिट और छोटे डिजिट क्या है ये ढूंढना पड़ेगा। तो -2 बड़ा है या -8 बड़ा है, ज्यादातर स्टूडेंट बोलेंगे -8 बड़ा है, सही बात है नहीं, यहां पर -8 छोटा स्मॉल है। डिफरेंस हम कब इजीली फाइंड कर पाते हैं, जब बड़ी डिजिट में से छोटे डिजिट्स को क्या करें सब्सट्रैक्ट करें। तो यहां पर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहां ग्रेटर डिजिट कौन सी है, तो -2 इज ग्रेटर देन -8। जी हाँ, इस कंफ्यूजन को आप दूर रखें नहीं तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो -2 बड़ा है इससे -8 से, अब वो क्या कहता है डिफरेंस फाइंड कर दो, तो अब तो इजी हो गया। तो क्या होगा, -2 बड़ा है इसमें से माइनस कर दो -8 को, ये लो -2 बड़ा था माइनस कर दिया किसको, लाहौल स्पीति का टेम्परेचर -8, अभी मैंने बताया था ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो वो प्लस हो जाता है, तो -2 + 8। अब बिना सिंबल के सॉल्व करो, यहां पर जब ऐसी कंडीशन आ रहे है एक प्लस में है एक माइनस में है, सिंबल को भूल जाओ, है ही इजी हो जाएगा करना, एक माइनस है एक प्लस है हटा दो इनको, झगड़े की जो जड़ है उसको क्या कर दो हटा दो, हटा लिया 8 और 2 रह गया, 8 और 2 8 में से 2 माइनस करो 6 आ जाएगा 6। अब सिंबल क्या रहे, अब यहां पर देखो बड़ी डिजिट के साथ कौन सा है सिंबल, 8 के साथ प्लस है, आंसर क्या आ जाएगा +6। तो जी आंसर तो आ रहा है अपना +6 डिग्री सेल्सियस,
तो इसको कुछ इस तरह से क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे, तो जो आंसर आएगा इसको जब माइनस करेंगे तो इसमें प्लस 6 डिग्री सेल्सियस इस तरह से, ठीक है। तो ये किसका आ जाएगा, प्लस का। दोबारा देखते हैं, इसमें श्रीनगर का टेम्परेचर -2, लाहौल स्पीति का -8। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंफ्यूजन जो यहां पर है वो यही है कि बड़ा कौन सा है, ज्यादातर स्टूडेंट क्या बताएंगे 8 बड़ा है माइनस का, तो वही चक्कर पड़ जाएगा। तो ध्यान रखना है -2 जो है वो ग्रेटर है किससे, 8 से। बड़े में से छोटे डिजिट को माइनस कर दो तो बड़े डिजिट -2, फिर माइनस करना है इसको -8 को, सिंपल साथ आएंगे, ध्यान रखना माइनस इसको प्लस हो जाएगा ये, तो क्योंकि बाहर माइनस है ना ब्रैकेट के बाहर, तो ये प्लस बन जाएगा, तो -2 एज इट इज ये प्लस बन गया। और अब बिना सिंबल के इनको सॉल्व कर देते हैं तो आंसर क्या आ जाता है हमारे पास 6। इसका जो लास्ट सेट है वो है डी, वो भी इजी है। चलिए डी को सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें डी को सॉल्व करना है, डी तो डी में अगर देखें टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टुगेदर, श्रीनगर एंड शिमला टुगेदर, अगर हम वो कहता है कि टुगेदर यानी श्रीनगर और वो शिमला है उसका इकट्ठा एक टेम्परेचर बताना है, तो बता देते हैं श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर। देखो श्रीनगर है -2, शिमला है 5, ये प्लस का है, तो -2 और 5 इसको प्लस कर दो, तो गैदर का मतलब क्या करना है, सम करना है, प्लस करना है, कर दीजिए प्लस, तो -2 प्लस 5, तो अब वही है ऐसा आ जाए लड़ाई, एक प्लस है एक माइनस है, झगड़ा हो जाएगा, तो क्या करो हटा दो साइड में, हो गए लड़ो मत, इनको साइड में करिए, क्या रह गया 5 एंड 2, 5 में से 2 को क्या करो कट कर दो, कट करेंगे तो अच्छा ये और बात ध्यान रखनी है कि भाई अगर अलग अलग सिंबल हैं तो वहां पर माइनस ही करना है बड़े में से छोटे को, बिना सिंबल का ध्यान रखिए। 5 में से 2 कट किया 3 आ गया। अब देखना है अपने को बड़ी डिजिट्स के साथ कौन सा सिंबल है, 5 है बड़ी डिजिट, 2 छोटा है, प्लस है, तो ये प्लस का डिग्री सेल्सियस, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से जो क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का वो हमने सॉल्व कर दिया। थैंक यू वेरी मच, आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।